हेलो एंड वेलकम बैक। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अ केस ऑफ गायनेकोमास्टिया। दिस इज अ ग्रेड 4 और द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ गायनेकोमास्टिया दैट इज पॉसिबल। इट हैड अ लॉट ऑफ लूज स्किन, अ लॉट ऑफ फैट एज वेल एज अ ह्यूज ग्लैंड। दिस यंग जेंटलमैन केम टू मी विद ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया एंड वॉन्टेड टू गेट समथिंग इन अ सिंगल सिटिंग। एंड वॉट वी प्लान फॉर हिम वॉज रिमूवल ऑफ द फैट थ्रू लाइपोसेक्शन, रिमूवल ऑफ द ग्लैंड थ्रू अ कट। ऑल्सो वी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा स्किन सो एज टू लिफ्ट हिज निपल्स अ लिटिल बिट अप। सो वी डिड अ सेमी सर्कुलर रिमूवल ऑफ द स्किन अलॉन्ग विद both these procedures. And this is how he was before the surgery. We had planned his surgery in general anesthesia. Since this is a huge gland, we cannot do it under local anesthesia. Only grade 1 or 2A can be done under local. This thing required general anesthesia. The total duration of the surgery was around 1.5 hours. We first did liposuction. We were able to take out around 1 liter of fat from each of his chest. After that, we took out this huge glands from both the sides. And this is how much we have removed from both the sides. Then we also took out a little bit of skin from his chest, and this is how he looks after his surgery. This is just day 2, and the results will improve even further. You can compare in the pictures from your screen how he was and how he is. And now if he reduces a little bit of more weight, if he starts gymming again, this chest would even reduce, the chest would become even better. And he was not able to go to gym and all these things because of his huge chest, and he was embarrassed of what he had on his chest, and he wanted to get rid of it, and we were able to do that, and he's extremely happy. You can hear from him directly. Thank you and have a nice day. Hi, mera naam Rahul Garg hai. मैंने पनाश एस्थेटिक डॉक्टर अंकित गुप्ता से गायनेकोमास्टिया की सर्जरी करवाई थी, और आज मुझे 14 दिन हो गए हैं सर्जरी कराए हुए, और अभी तक तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं। ऐसा डॉक्टर भी बोल रहे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स ने भी बोला है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो जब मैंने सर्जरी कराई थी तो डॉक्टर ने मुझे सारा प्रोसीजर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा था, मुझे सब कुछ पता था कि कितने दिन के लिए बेड रेस्ट होगा एंड ऑल, और जो भी सर्जरी के अंदर बताया गया था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, कोई इशू नहीं आया था। स्टाफ भी बहुत बढ़िया था, स्टाफ कोऑपरेटिव था, काफ़ी हेल्प करी थी उन्होंने मेरी। एंड जब सर्जरी हो गई थी तो मतलब पोस्ट सर्जरी के बाद भी जो ट्रीटमेंट था वो भी काफ़ी अच्छे से मिला था मुझे। थैंक यू डॉक्टर अंकित गुप्ता एंड स्टाफ, एंड थैंक यू पनाश एस्थेटिक्स।